नमस्कार, मैं हूं अदिति और CCL D20 में आपका स्वागत है। फूलों की रंगोली तो हम हर साल बनाते आए हैं। इस बार हम इन कलरफुल शेप से एक मैथमेटिकल रंगोली बनाएंगे। शेप्स का टेम्पलेट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हें काट के हम कार्डबोर्ड में चिपका देंगे ताकि बिना उड़े ये पेपर के टुकड़े अरेंज हो सके। इन्हें हम इस तरीके से अरेंज करते जाए तो ये एकदम फिट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके बीच में ना ही कोई खाली जगह बचती है और ना ही ये एक दूसरे पे ओवरलैप होते हैं। मैथमेटिक्स के भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों शेप्स आपस में टेसलेट या टाइल हो गए। घरों के फर्श में या फिर ऐसे रोड्स में भी हमें ये टेसलेशंस देखने को मिलते हैं। ये रंगोली तो हमने दो अलग क्वाड्रिलेटरल्स को टेसलेट करके बनाया, लेकिन सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल को यूज करके भी हम ये टेसलेशंस कर सकते हैं। इनफैक्ट सारे टाइप के क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल्स अपने आप में टेसलेट हो जाते हैं। ऐसे ही रेगुलर हेक्सागन्स भी आसानी से टाइल हो जाते हैं। इनको इस तरीके से रखने पर ये बीच के एंगल्स का सम 360 डिग्री हो जाता है और ये टाइल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पेंटागन्स को इस तरीके से रखें तो यहाँ पे खाली जगह बच जाती है। नोबेल प्राइज विनर जॉर्ज पेनरोज ने इन पेंटागन्स को टेसलेट करने का एक नया तरीका बनाया, जिसके लिए आपको इन पेंटागन्स के साथ साथ ये बोट, स्टार और इन डायमंड्स की जरूरत पड़ेगी। इन चार शेप्स के टेसलेशन को उन्होंने और सिंप्लीफाई कर दिया और ये पूरा टेसलेशन सिर्फ इन दो शेप्स के साथ बनाया। फिर आगे जाकर मार्टिन गार्डनर ने इस पेनरोज स्टाइलिंग के बारे में एक आर्टिकल लिखा, जिसने मार्जरी राइस को बहुत इंस्पायर कर दिया। मार्जरी सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ी थी और उनके 5 बच्चे थे, लेकिन अपने फ्री टाइम में वो ये पेंटागन्स की टाइलिंग करती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने 58 पेंटागनल टाइलिंग्स ढूंढ लिए। तो आप भी इन अलग अलग शेप से टाइलिंग करके अपने घरों को गणित के रंगों से सजा सकते हैं। D20 सीरीज के सारे 20 एक्टिविटीज अपलोड करने पर आपको CCL IIT गांधीनगर की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। थैंक यू।